So chapter number 16, and this is the last chapter of ecology unit as well as the last chapter of our 12th standard syllabus. तो यहाँ हम लोग इकोलॉजी यूनिट जो है वो अभी तक का स्टडी कर रहे हैं और इकोलॉजी में एज यू नो देयर आर फोर चैप्टर्स. तो ऑलरेडी द थ्री चैप्टर्स वी हैव कवर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. सो दीज थ्री चैप्टर्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 16, एनवायरमेंटल इश्यूज. एंड दिस इज अ वेरी वेरी जनरल चैप्टर. यहाँ हमको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं. एनवायरमेंटल इश्यूज पहले से ही आप बहुत सारी क्लासेस में स्टडी किए हैं. इवन आपका जो ईवीएस का जो सिलेबस था उसके अंदर भी अलग अलग टाइम पर आप लोगों ने अलग अलग एनवायरमेंटल इश्यूज को स्टडी किया, जैसे पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है. इन चीजों को आपने जो है वो पहले से ही स्टडी किया है. तो यहाँ पर हम लोग बस उसका समझो एक रिविजन टाइप जो है वो कर रहे हैं और हम इसको स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. So first of all, pollution की जो definition है, any undesirable change in physical, chemical or biological property of the environment. मतलब चाहे physical feature, चाहे chemical या के biological, यानी living being तक, अगर उसमें कोई change होता है, physical का मतलब जैसे climate change हो गया, air change हो रही है, chemical composition, soil का texture change हो, soil के अंदर minerals का level change हो रहा है, तो वो केमिकल में आ जाएगा. बायोलॉजिकल मतलब के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये आ जाता है बायोलॉजिकल में. तो ये तीनों लेवल पर किसी भी टाइप का कोई चेंज अगर देखने को मिलता है, बट वो चेंज कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए नेगेटिव चेंज, मींस अनडिजायरेबल, मतलब ऐसा चेंज जो के थ्रेट बन जाए ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए या उनके स्पेसीज के एक्सटेंशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल हो. तो इस तरह का कोई भी जो चेंज होता है इसको हम कहते हैं पॉल्यूशन. So, अब ये जो पॉल्यूशन कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट. सो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड एज द पॉल्यूटेंट्स. अभी यहाँ पे वेरियस टाइप के पॉल्यूशन जो हमको यहाँ सिलेबस में स्टडी करना है, उसमें है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है, फिर सॉइल पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव वेस्ट का पॉल्यूशन है. तो इनको हम जो है वो एक के बाद एक स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये है एयर पॉल्यूशन. तो एयर पॉल्यूशन डेफिनेशन वही है कि एयर के अंदर कोई ऐसा अनडिजायरेबल चेंज हो जाए जो कि लिविंग बीइंग के लिए हार्मफुल हो, तो उसको कहा जाएगा एयर पॉल्यूशन. लिविंग बीइंग में एनिमल्स भी आ जाएंगे और प्लांट भी आ जाएंगे. सो इट इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर, इट इज द एयर पॉल्यूशन. और यहां पर जो है एयर पॉल्यूटेंट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब जिसकी वजह से कॉज होता है, तो डायग्राम में भी आप देख रहे हैं स्मोक बहुत ज्यादा दिखाया हुआ है, व्हीकुलर स्मोक है, यहां से इंडस्ट्रियल स्मोक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इसमें जो मेजर पॉल्यूटेंट्स आते हैं उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, स्मोक है, और स्मोक के साथ में जब फॉग मिल जाता है तो उससे स्मोक बन जाता है. इवन ओजोन जो है वो भी जो लोअर एटमोस्फेयर में फॉर्म होती है वो पॉल्यूटेंट का काम करती है. अभी इसके इफेक्ट क्या है एयर पॉल्यूशन के प्लांट के ऊपर और एनिमल के ऊपर, इवन ऑन फिजिकल टेक्सचर, जैसे जो बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, उनके ऊपर भी इसके इफेक्ट होते हैं. तो लिविंग बीइंग के ऊपर तो इफेक्ट होते ही है, नॉन लिविंग्स के ऊपर भी जो है इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखने को मिलते हैं. सो सल्फर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन है, ये जो है वो पत्तियों का क्लोरोसिस कॉज करते हैं. यहाँ पर जो लीफ बनी हुई है पूरी तरह से येलो हो गई है, तो क्लोरोसिस मींस होता है येलोनिंग. और डिफोलिएशन कॉज करते हैं, मतलब के प्रीमैच्योर फॉल ऑफ द लीफ, लीफ जो है वो मैच्योर होने से पहले, बड़ी होने से पहले ही जो है वो गिर जाती है, और क्लोरोसिस की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फिर पूरी फूड चेन और फूड वेव डिस्टर्ब हो जाता है. ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो है उसका इफेक्ट है, आईज में इरिटेशन होता है, नेजल इरिटेशन है, कुछ क्रोनिक डिजीजेस हैं जैसे ब्रोंकाइटिस है और इस तरह के कुछ, और सिलिकोसिस है, इस तरह के इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर. सल्फर ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और रेन के साथ में जब जमीन पर आते हैं तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं एसिड रेन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ में मिलके यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, और
नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये नाइट्रिक एसिड HNO3 बना रहा है, बाद में ये वाटर में डिजोल्व होकर के फिर जमीन पर आते हैं, और इसका जो इफेक्ट होता है ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी होता है, प्लांट्स के ऊपर भी होता है, तो ये एक इसका मेजर इफेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वजह से जो मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मींस सोलार रेज जो हमारे अर्थ पर आते हैं, मोस्ट ऑफ द सोलार रेज जो है वो हीट के फॉर्म में स्केप हो जाते हैं, ट्रांसमिट होकर के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ये, और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसें जैसे मीथेन वगैरह है, इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हीट को रिटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर ये गैसेस ना हो, एकदम ना हो, तो उसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो सब जीरो तक पहुंच जाएगा, मतलब एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा, तो इनका प्रेजेंस रहना भी जरूरी है। लेकिन रिसेंट डेज में ये हुआ है कि इनका कंटेंट और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बढ़ गया है, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये हो रहा है कि अर्थ जो है वो धीरे धीरे वार्म होती जा रही है, और जिसको हम जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो CO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, इनका लेवल बढ़ने की वजह से ये हीट एनर्जी को ज्यादा ट्रैप करते हैं, मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कम हो गया है और ट्रैपिंग ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, वेजिटेशन को। ओजोन जो है जो फॉर्म होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन से, जब जो फ्रियॉन गैस है और इस तरह के जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाले जो गैसेस होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ में, यूवी रेस के साथ में, तो उससे जो है वो ओजोन बनता है। तो इसमें ये हाइड्रोकार्बन जो लोअर लेवल पर रहते हैं एटमॉस्फेयर में, इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, और ये कॉज करता है, ये बहुत सारे, ये एक बड़ा पॉल्यूटेंट है, मतलब प्लांट्स का जो है वो डिफोलिएशन कॉज करता है। देखो यहाँ पर बहुत सारी पत्तियां जो है वो एकदम सूख गई हैं और फिर उसके बाद में ये फॉल हो जाती हैं, तो ये सारे इफेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे एयर पॉल्यूशन को, तो उसके वेरियस मीजर्स दिए हुए हैं। सो डिफरेंट जो मीजर्स हैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये है, ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए है। तो जो पार्टिकुलेट पार्टिकल लाइक जो मैटर होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पार्टिकुलेट मैटर जो है ये प्लांट के लीफ के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है, तो इसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो कि हाई करंट के वायर्स से जुड़े हुए होते हैं, और ये कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, इनके ऊपर जो है ये पूरा इलेक्ट्रॉन का एक कोरोना जनरेट करते हैं, मतलब के पूरा एक ग्रुप जनरेट करते हैं, और उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहा जाता है। स्क्रबर एक डिवाइस होता है, ये गैसेस को रिमूव करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस तरह की जो एग्जॉस्ट में जो गैसेस प्रेजेंट होती है, इंडस्ट्रियल जो एग्जॉस्ट होता है ये उसको रिमूव करता है। फाइन जेट ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली इसके अंदर जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, और उसके अंदर गैसेस जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, बाद में उनको डिस्पोज किया जाता है। ऐसे ही कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, फोर व्हीलर्स के अंदर उनको फिट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस है वो वहीं ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, वो एमिट नहीं होती, रिलीज नहीं होती। सो व्हीकल्स फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर, एक चीज ये है कि इसके अंदर जो पेट्रोल यूज होता है वो अनलीडेड होता है, क्योंकि जो लीडेड पेट्रोल होता है वो कुछ इयर्स के बाद में जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी तरह से एक गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाई हुई है ऑटो फ्यूल पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो एक रोड मैप तैयार किया है टू कट डाउन द व्हीकुलर एयर पॉलिसी मेनी सिटीज ऑफ इंडिया, मतलब इसमें जो ओल्ड गाड़ियां हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए, और जो पेट्रोल है उसमें मिनिमम अमाउंट में जो है वो लीड हो, PUC जो है सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है, और इसी तरह से कुछ जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं जैसे भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, इस तरह के नॉर्म्स जो बनाए हुए हैं ये इसमें आ गए हैं। तो अभी आगे जो है वो थ्रू आउट द कंट्री भारत स्टेज 4 का जो नॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, BS4 की गाड़ियां जो है वो अभी इंट्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट टाइप जो पॉल्यूशन की है
वो है वाटर पॉल्यूशन। नाउ वाटर पॉल्यूशन जो है अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, उसको बोला जाता है वाटर पॉल्यूशन। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो है सीवेज वेस्ट, जो घरों से, इंडस्ट्रीज से, ऑफिस से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल फर्टिलाइजर जो ड्रेन होकर के आते हैं फार्म से, खेत से, पेस्टिसाइड जो यूज की जाती है, इंसेक्टिसाइड जो यूज करते हैं, ये सब जो है वो वाटर के लिए पॉल्यूटेंट का काम करती है। वाटर पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है हमारे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी पर इस तरह से पड़ता है कि जो सीवेज होता है अगर उसको डायरेक्ट जो है रनिंग वाटर में रिलीज कर दिया जाए तो उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के डिजीजेस, वाटर बोन डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कॉलेरा है, टाइफॉइड है, ये सब कॉज करते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहां पर उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद ही उसको फिर रनिंग वाटर बॉडी में रिलीज किया जाता है। फिर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, मतलब बहुत सारा जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, ऑर्गेनिक रिच होता है, तो जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। मतलब कि वाटर जो है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेट हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसमें फिर अल्गी ग्रो होना स्टार्ट होती है जिसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है ये ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो फिशेस को और जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और उनके अंदर जो है मॉर्बिडिटी आ जाती है, वो धीरे धीरे मर जाते हैं, तो इस तरह से बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए धीरे धीरे ये जमा होते जाते हैं एनिमल्स के अंदर और फूड चेन के थ्रू, तो जो हायर टॉप लेवल के कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर इसका कंटेंट ज्यादा जमा हो जाता है, इसको बायो मैग्निफिकेशन या के बायो कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। फिर ऐसे ही इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मर्क्यूरी है, लीड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, ये सब ये बॉडी में जाकर के जमा हो जाते हैं। जैसे मर्क्यूरी जो होता है ये ह्यूमन बींग के साथ में जमा होता है, लीवर डिजीज कॉज करता है, किडनी फेलियर कॉज करता है। एक पॉपुलर डिजीज है जो जापान में देखी गई जिसको मिनामाटा डिजीज कहते हैं, और ये शेल फिशेस के अंदर जो है मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से हुई, और फिर उसके बाद में जिन ह्यूमन ने उन शेल फिशेस को कंज्यूम किया तो उनकी बॉडी में भी ये डिजीज, वहां से मर्क्यूरी पॉइजनिंग की जो डिजीज है ये ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ स्टैग्नेंट वाटर बॉडी, यानी रुका हुआ पानी है, कोई लेक है, कोई झील है, वहां पर पॉल्यूटेंट जमा होते जा रहे हैं कंटिन्यू, उनकी साफ सफाई नहीं हो रही है, वहां पर यूट्रोफिकेशन होता है पहले, मतलब अल्गल ब्लूम होता है, फिर धीरे धीरे वहां पर सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, और कुछ साल के बाद में वहां पर पूरा फॉरेस्ट बन जाता है और पूरा एरिया जो है ऐसा मार्शी एरिया हो जाता है, तो इसको कहते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। ये भी वाटर पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। बायोमैग्निफिकेशन जैसा मैंने अभी बताया कि फूड चेन के अंदर कंटिन्यूअसली कोई हैवी मेटल है उसका कंटिन्यूअसली जमा होते रहना, तो उसकी वजह से हार्ट, किडनी, लीवर, इन जो वाइटल ऑर्गन है इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, डिजीजेस होते हैं। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको स्टडी किया होगा आप लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट वाले टॉपिक में। तो बीओडी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिमांडेड बाय और रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, इसको बोला जाता है बीओडी। मतलब अगर सपोज कर लो हमारे पास में 1 लीटर वाटर है, तो उस 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी है, उसको अगर हमको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना ऑक्सीजन लगेगा उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए, उसको बोला जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके अंदर बीओडी ज्यादा होता है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका बीओडी जो है वो बहुत कम होता है। अल्गल ब्लूम, उसका एक इफेक्ट है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंकटोनिक अल्गी वाटर बॉडीज के ऊपर, सरफेस के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का डिसॉल्यूशन है वो कम हो जाता है। फिर सोलार एनर्जी वाटर के अंदर नहीं पहुंचती, तो वहां पर जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स के अंदर मॉर्टालिटी आ जाती है, तो ये सारे उसके इफेक्ट हैं। नेक्स्ट पोल्यूशन है, इट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए मतलब जो रेडिएशन है उसकी वजह से भी बहुत बड़े हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। इवन जो रेडिएशन है वो हमारे डीएनए लेवल पर, जीन के लेवल पर जाकर के म्यूटेशन कॉज करते हैं। सो वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फिजन की वजह से, और
जो फिजन करते हैं, हैवी एटम्स को ब्रेक करते हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, और ये सब से जो वेस्ट और जो एनर्जी रिलीज होती है रेडिएशंस के फॉर्म में, ये इफेक्ट करती है। इसको बोला जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट या रेडियो एक्टिव टॉक्सिन्स। ये म्यूटेशन और कैंसर कॉज करते हैं। दो इसके बहुत बड़े इफेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी स्टोर्ड आफ्टर हैवी ट्रीटमेंट इन पैक्ड एंड स्पेशल कंटेनर। उनको डायरेक्ट जो है वो एटमोसफेयर में रिलीज नहीं करना चाहिए। ऐसी मशीन्स और ऐसे इक्विपमेंट्स जो रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको क्लोज्ड वॉल्स के अंदर रखना चाहिए। जैसे इवन देन, फिर भी उसके बाद भी बहुत चांसेस होते हैं कि वहां से न्यूक्लियर कंटामिनेशन हो जाए हमारी बॉडी को, एनिमल्स की बॉडी को, इवन ग्राउंड वाटर को, सॉइल को। फेलियर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन कॉज सीरियस डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे चेर्नोबिल एक इवेंट था, वहां पर रेडिएशन जो है वो लीक हो गया था, उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट जो है वो कई किलोमीटर तक का वो डिस्ट्रक्ट हो गए थे, म्यूटेशन हो गया था, बहुत लीथल टाइप के म्यूटेशन से देखने को आए थे। नेक्स्ट जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग है। जैसा अभी हमने कुछ देर पहले इसको स्टडी किया, ये भी उसके इफेक्ट में आता है। तो ग्रेजुअली जो है वो अर्थ का जो टेम्परेचर है ये बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से पोलार आइस जो है वो मेल्ट हो रही है और उसका ये इफेक्ट हो रहा है। जो सी कोस्ट के एरिया है उनका लेवल, सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं, इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। और इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर, जो ग्लेशियर्स हैं, पोलार आइस हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो सी कोस्ट के एरिया है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कोस्टल जो एरियाज हैं वहां पर फ्लड के चांसेस बढ़ गए हैं, कोरल रीफ्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और उसी के साथ में मीडोज जो है वहां पर जो ग्रासेस हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो ये सारे इफेक्ट हैं इसके ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम जो है रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक तो रिफॉरेस्टेशन करें, मतलब जो फॉरेस्ट है जहां पर, जो बैरन एरिया है वहां पर फॉरेस्ट लगाएं नए सिरे से, और उसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमाइज होगा, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ेगा। डिफॉरेस्टेशन को प्रोटेक्ट करें, मतलब कि फॉरेस्ट को काटने से और उनको टूटने से बचाया जाए, उनकी प्रॉपर केयर की जाए, जहां पर जो है बैरन एरिया है वहां नए फॉरेस्ट लगाए जाए और स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाए कि फॉरेस्ट को कट ना किया जाए। बहुत ही ओल्ड जो फॉरेस्ट है उन्हीं को कट करके वहां से टिम्बर ऑब्टेन की जाए, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को कम किया जाए ताकि जो है स्मोक कम प्रोड्यूस हो। फिर इसी तरह से गाड़ियों के जो इंजन है, जो ओल्डर इंजन है, उनको रिप्लेस किया जाए। और इसी के बेसिस पर जो है जो भारत स्टेज 4 है, BS4 की गाड़ियां वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। फिर प्लांटिंग की जाए ज्यादा से ज्यादा। फिर जो नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे विंड एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, इनको इनको यूज किया जाए। तो जो अपनी ये सारी एनर्जीज जो है इनके इनको यूज करने पे पॉल्यूशन रेट कम होगा। अगर हम जो है फॉसिल फ्यूल से ही सारी एनर्जी ऑब्टेन करेंगे तो उससे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है ये हमारे एटमोसफेयर के अंदर बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करती है। तो उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट होता है वो प्लांट्स के ऊपर पड़ता है, फिर उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो ग्लेशियर्स के ऊपर और साथ ही जो है पोलर आइस के ऊपर पड़ता है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के जो थ्रेट्स हैं, फ्लड के जो थ्रेट्स हैं, ये बढ़ जाते हैं। ओजोन का डिप्लीशन ये अगला इफेक्ट है। तो ओजोन जो है उसके ये फॉर्म होती है स्ट्रेटोस्फीयर में बाय द इफेक्ट ऑफ यूवी रेज, जैसा अभी मैंने बताया। इसको हम लोग मीजर करते हैं इसकी थिकनेस को डॉक्सन यूनिट में, ये एमसीक्यूज में ये सब आते हैं, यूनिट्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ओजोन डिग्रेडेशन जो है ये इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट है वो होता है CFC। तो CFC जो है वो यूवी रेडिएशन के साथ में रिएक्ट करके क्लोरीन एटम्स को रिलीज करता है, और फिर ये क्लोरीन एटम जो है वो O3 के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं O2 और O में, मतलब नेसेंट O में। तो यहाँ पर जो O रिलीज होता है ये फ्री रेडिकल होता है, और ये फ्री रेडिकल जो है ये चेन रिएक्शन कॉज करता है, और उससे फिर न्यू मॉलिक्यूल जो ओजोन का होता है वो धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, यूवी जो है वो डीएनए के साथ में म्यूटेशन कॉज करता है, अगर ओजोन जो है वो खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट यूवी रेडिएशन जमीन पर आ जाएंगे, उसकी वजह से स्किन कैंसर कॉज होता है, कॉर्निया का जो कैंसर है वो कॉज होता है, टनल विजन कॉज हो जाता है, यानी साइड साइड के जो नजर है वो कमजोर हो जाती है, हमको बस सीधे सामने की चीज ही नजर आती है। तो ये सारे इफेक्ट इसके होते हैं हमारे बॉडी पर।
कंट्रोल मीजर के लिए जो है एक प्रोटोकॉल पास किया गया जिसको मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है जापान में 1987 में। तो इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और हर कंट्री ने ये प्लेज लिया कि हम अपने एरिया में रीजनल लेवल पर ग्लोबल लेवल पर जो है ओजोन का डिप्लेशन कम करेंगे बाय एलिमिनेटिंग और बाय रेस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ सीएफसी रिलीज। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कॉज करते हैं ओजोन डिप्लेशन को। तो इसमें सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिनको फ्रियॉन्स भी कहा जाता है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में जो गैसेस होती हैं जिसकी वजह से कूलिंग होती है इनको फ्रियॉन्स कहते हैं, और यहां से सीएफसी रिलीज होता है और ये ओजोन का डिप्लेशन कॉज करता है। फिर कुछ सैनिटरी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इको सैन टाइप के जो टॉयलेट्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। सॉलिड ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है उसको प्रोसेस करके मैन्यूअर में यानी उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं जैसे पुराने कंप्यूटर फोन्स हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल फोन्स हैं और उसके एपरेटस हैं, उन गैजेट्स को प्रॉपरली जो है वो डिस्पोज किया जाए, उनको पूरी तरह से डिस्पोज करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जाए। तो इन सबसे जो है हमारी सैनिटरी कंडीशन मेंटेन होगी। तो यहां तक जो है हमने ये चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया। एनवायरमेंटल इश्यूज जो है ये कंप्लीट हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ में इकोलॉजी कंप्लीट हो गया और इकोलॉजी के साथ में ट्वेल्थ का पूरा जो सिलेबस है नीट का वो भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैक्सिमम यूनिट तो मैंने ही पढ़ा दिए हैं, उसके अलावा एक यूनिट जो है वो मैडम ने आपको पढ़ाया है। तो इस तरह से हमारा यहां तक जो ट्वेल्थ का सिलेबस था ये पूरा कंप्लीट हो गया है।